राष्ट्रीय जनता दल से कौन कौन जाएगा राज्यसभा? राष्ट्रीय जनता दल, इनकी चर्चा करनी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि बिहार में सर्वाधिक विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें से 3 सीटें एनडीए को और बाकी 2 सीटें महागठबंधन को जाएगी। महागठबंधन यानी सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल। लोकसभा चुनाव के लिए हुए सीट शेयरिंग को सार्वजनिक करने के लिए जब बिहार की राजधानी पटना के होटल मौर्या में महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें कहा गया था कि राजद अपनी ओर से राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस को देगी, लेकिन अब राजद में इस पर किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि राजनीति में वायदे होते रहते हैं, लेकिन वायदे पूरे किए जाएं ये कोई जरूरी नहीं होता। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर अब राजद के ही उम्मीदवार राज्यसभा में जाएंगे, इसीलिए हमने कहा महागठबंधन यानी कि सिर्फ राजद। बाकी दूसरे दलों की तरह राजद में भी राज्यसभा जाने की होड़ मची हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर युवा नेता तक इसकी लॉबिंग में जुटे हुए हैं। कई सालों से लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए प्रेमचंद गुप्ता भी राज्यसभा की रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं। प्रेमचंद गुप्ता कई बार राजद से राज्यसभा जा चुके हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि कई सूत्रों का यह भी कहना है कि हाल फिलहाल लालू प्रसाद और प्रेमचंद गुप्ता के रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह भी राज्यसभा के लिए बेहद मजबूती के साथ अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अब एक नई चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है कि लालू प्रसाद यादव के कन्हैया यानी उनके पुत्र तेज प्रताप यादव भी राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं। एक हिंदी अखबार की खबर के अनुसार तेज प्रताप यादव आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर न तो इच्छुक हैं और न सक्रिय हैं। तेज प्रताप की इच्छा अब दिल्ली यानी उच्च सदन जाने की है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप ने अपनी यह दावेदारी पार्टी के समक्ष पेश कर दी है। अब यह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल भरा मामला होता जा रहा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और कोई भी पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पहले से राज्यसभा में है। ऐसे में अगर वो तेज प्रताप की मांग मान लेते हैं तो पार्टी पर परिवारवाद का आरोप और गहरा होता जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर राजद के अल्पसंख्यक समर्थक सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को भी राज्यसभा भेजे जाने की मांग लगातार कर रहे हैं क्योंकि हिना शहाब पिछले 2 बार से सिवान लोकसभा सीट से चुनाव हारती जा रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने एक भी पासवान को टिकट नहीं दिया था जिसकी काफी आलोचना हुई थी। बिहार में पासवान मतदाताओं का जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी से मोहभंग हुआ था, राजद इसी वजह से उसका लाभ नहीं ले सकी थी क्योंकि उसने एक भी पासवान को अपने संसदीय उम्मीदवार के तौर पर जगह नहीं दी थी। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 2 सीटों में से संभव है कि किसी एक दलित नेता की लॉटरी लग जाए। धन्यवाद।